27 तारीख को एक घटना हुई थी जिसमें ओला गाड़ी एक आदमी ने बुक किया था और वह व्यक्ति जहाँ पे उसका ड्रॉपिंग पॉइंट उसने डाला था वहाँ उतरने लगा, तो उसने उस ड्राइवर के ऊपर हमला किया और उसके गले पे उस तरह से वार किया था और ड्राइवर का मोबाइल छीन लिया था और उसका पर्स भी छीन लिया था। तो उसी के बाद उस व्यक्ति 28 तारीख को जा करके उसने थाना में कांड दर्ज कराया सोनारी में, और तत्पश्चात हम लोग लगातार छापेमारी करवा रहे थे। उसी क्रम में वह व्यक्ति भी हम लोगों को पकड़ा गया जिसने यह घटना कारित की थी, और उसने जिस उस तरह से उस ड्राइवर के ऊपर हमला किया था वो उस तरह भी बरामद किया है। वो पर्स जिसको लेकर के वो भागा था वो भी बरामद हुआ है, और ड्राइवर का उसने मोबाइल फ़ोन भी छीना था वो भी हम लोग को मिला है, गाड़ी भी लेके भाग गया था। तो इसीलिए बड़ी घटना हो गई थी ये कि हम लोग को सब कुछ बरामद हुआ है, जो अक्यूज़ था वो भी पकड़ाया है, और अब हम लोग उसको जो है न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। ये व्यक्ति जो है मतलब तो इसका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, बट अब जिसके लिए जैसे हम लोग विशेष अभियान चलाते रहते हैं और आगे भी चलाएंगे, नशे की वजह से ऐसा किया है।